पैंसठ साल के सनी देओल जी सिने और के रेड कारपेट पर झुककर चलते हुए आए नजर। बैक सर्जरी के कारण अपनी हेल्थ की इस तरह रख रहे हैं केयर। सनी देओल को हाल ही में जी सिने और के रेड कारपेट पर देखा गया था, जहां पर सनी देओल झुककर चलते हुए नजर आए थे। बता दें कि सनी देओल की 65 साल की उम्र हो गई है, फिर भी वो फिट एंड फाइन है, लेकिन बैक सर्जरी के कारण पिछले कुछ दिनों से वो थोड़े से झुके हुए चलते नजर आते हैं। और वहां पर उनके साथ में गदर की सकीना अमीषा पटेल भी नजर आई थी। आप खुद ही देख लीजिए वीडियो और हमें कमेंट में जरूर बताएं। गदर टू के बारे में बस यही कहूँगा कि गदर वन जब बनी थी हमें नहीं पता था कि वो गदर मचा देगी। जनता को इतनी प्यारी लगी कि उन्होंने सबके मुंह बंद कर दिए और वो सबकी बहुत ही एक दिल चाहक फिल्म बन गई थी, और इसलिए उसका पार्ट टू बनाना बहुत मुश्किल था। मेरे को शर्मा जी ने कितनी बार कितनी कहानियाँ सुनाई, लेकिन कभी कोई किसी कहानी की कोई बात नहीं बनी। देखिए दुनिया बदल रही है, नई नई चीज़ें आएंगी, हमें उसे अडाप्ट करना और आगे चलना है। मैं पहले भी उतना ही अडाप्ट करता था, आज भी उतना ही अडाप्ट कर रहा हूँ, तो मैं कुछ और ये I'd say no better platform than with my favorite superstar co-star Sunny and my favorite character Sakina with Tara. There couldn't have been a better viewing for the audience, I think. बहुत अच्छा लग रहा है जैसे रिस्पॉन्स मिला। क्या होता है कि आज के ज़माने में पहले उस तरह नहीं था, आज के ज़माने में क्या एक बॉक्स ऑफिस का एक रूप बदल चुका है, तो उसमें इस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है तो अच्छा लगा। उम्मीद रखते हैं कि जब लगेगी पिक्चर वो रिस्पॉन्स बढ़ चुका होगा, और जैसे गदर वन का था उतना ही प्यार, उतना ही लव अफेक्शन सब कुछ गदर टू के लिए भी मिले। बहुत बहुत मेहरबानी। क्या बोल रहे हैं आप? या सबका बहुत 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 खुश है, बोल रहे हैं कि जल्दी क्यों नहीं आई और कब लग रही है, इतना लेट क्यों कर रहे हैं, जल्दी रिलीज़ करिए। और जब भी कोई भी फिल्म की मैं बात करता हूँ तो सिर्फ गदर टू की बात करते हैं, तो डेफिनेटली इसका इसके लिए लोग ईगरली अवेट कर रहे हैं और अच्छा लगता है। बस डर ये है कि डर इस चीज़ का लगता है कि हमेशा, क्योंकि उम्मीदें बढ़ जाती हैं और वी हैव टू मैच अप टू दैट।